जो लोग ये बोलते थे कि ये अकाल तख्त से दूर है, लोग अकाल तख्त को समर्पण नहीं है, आज ये सारी बातें खत्म होगी कि दंडौत करके प्रणाम करके जथेदार साहब और अकाल तख्त साहब को उन्होंने अपना मत पेश किया। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल हुक्मा अनुसार अज श्री अकाल तख्त साहिब पेश होए, जिथे उन्हां बागी अकाली आगुआं दे वल्लों लगाए गए सियासी दोषां दा लिखती जवाब दित्ता है। उत्थे श्रोमणी कमेटी दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वल्लों भी इश्तिहार संबंधी इल्जामां ते लिखती स्पष्टीकरण दित्ता गया। इस बारे SGPC मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब पेश हो के उन्हां लोकां नूं चुप करवा दित्ता है जो कहिंदे सन कि ये लोग सिख मर्यादा ते श्री अकाल तख्त साहिब तों दूर हो गए ने। वीर सिंह बादल अपने साथियों समेत पेश हुए ने, मैं वहां नहीं था। हम तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चिट्ठी लिखी गई थी अकाल तख्त साहब के जहदर से तरफ से सकत्र की तरफ से कि श्रोमणी कमेटी को कुछ सवाल पूछे गए थे कि इनका जवाब दो। श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट रजिंदर सिंह धामी साहब ने जो श्रोमणी कमेटी का वफद था उसके साथ में अकाल तख्त साहब को अपना वो बंद लफाफा जो जानकारी थी सौंप दी। बड़ी बात ये है कि जो लोग ये बोलते थे कि ये अकाल तख्त से दूर है, लोग अकाल तख्त को समर्पण नहीं है, आज ये सारी बातें खत्म होगी कि दंडौत करके प्रणाम करके जथेदार साहब और अकाल तख्त साहब को उन्होंने अपना मत पेश किया।